हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम स्लाइटली बेटर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल प्रॉब्लम हमने पहले बेसिक लेवल प्रॉब्लम में काफी सारे प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व की है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इन दोनों में एक रूट, वन रूट इज कॉमन। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन रूट कॉमन है, तो हमसे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। दोनों में एक रूट कॉमन है, और अगर दोनों में एक रूट कॉमन है तो a की वैल्यू क्या होगी, हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम देखते हैं a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसके दो रूट अगर हम मान लें अल्फा और बीटा, और इसके भी दो रूट मान लें बीटा और गामा, तो हम देख रहे हैं अगर इसके दो रूट मानेंगे अल्फा और बीटा, इसके बीटा और गामा, तो बीटा दोनों में कॉमन आएगा। यही कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों रूटों में से एक रूट कॉमन है। इसका हमने अल्फा बीटा माना, इसका बीटा गामा माना, तो बीटा हो गया कॉमन। अगर बीटा दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a में x के प्लेस पे बीटा रखें तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, और अगर इसमें बीटा x के प्लेस पे बीटा रखें तो इसमें भी वैल्यू जीरो आएगी, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हमें यह मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 11 बीटा प्लस a इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 14 बीटा प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये हमें दोनों से एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, दोनों से एक नई इक्वेशन बन के निकल के आई। ये इक्वेशन नंबर हम थर्ड से कह सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। दोनों में कॉमन रूट था, इसलिए मैंने सपोज कर लिया कि बीटा वो कॉमन रूट है जो दोनों में कॉमन है, बीटा दोनों में वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, साइन अपोजिट कर दे, माइनस ये प्लस ये माइनस, और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यही कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 प्लस है ये 11, और तीन बचेगा 3 टाइम्स ऑफ बीटा, और यहां माइनस है ये है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाई 3, बीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी a बाई 3। इसका मतलब जो एक रूट कॉमन था, वन रूट जो दोनों इक्वेशन में कॉमन था, उसकी वैल्यू a बाई 3 है। अच्छा, अगर a बाई 3 वो वैल्यू है तो a बाई 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a बाई 3 की वैल्यू भी इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे बीटा के प्लेस पे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, अगर बीटा की वैल्यू a बाई 3 हम किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए a बाई 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। पुट करके देखते हैं क्या आता है। a स्क्वायर बाई 9, अगर यहां a बाई 3 पुट करेंगे तो स्क्वायर आएगा a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, माइनस 11 टाइम्स ऑफ a बाई 3 प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, एलसीएम लें अगर, पहले कॉमन लेंगे तो सब में a कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा a अपॉन 9 माइनस 11 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक a की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर इसे राइट साइड लेके जाएंगे। एक अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहां सब्ट्रैक्ट होके 8 बाई 3 आएगा, ये दोनों सॉल्व होके 8 बाई 3 आएगा, और 8 बाई 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड वैल्यू a इज इक्वल टू 24 आ जाएगी। यानी दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक a इज इक्वल टू 0 और एक a इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये होता है कि a की ये दो वैल्यू है, एक a इज इक्वल टू 0 रखने पर, a इज इक्वल टू 24 रखने पर, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एक रूट इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक थ्योरी, तो हमने पढ़ा था वन रूट कॉमन कंडीशन, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कांस्टेंट टर्म दोनों की जीरो हो जाती है तो उसका एक रूट मस्ट है कॉमन होगा, और वो कॉमन रूट कौन सा होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें आ भी गया कि a इज इक्वल टू 0 चाहिए, अगर a इज इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका कांस्टेंट टर्म a है ये भी 0 हो जाएगा, और 2a भी कांस्टेंट टर्म है ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों की कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी। जब दोनों की कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है तो दोनों के रूट एक रूट, तो दोनों का एटलीस्ट वन रूट तो इक्वल होता ही है, वो और वो इक्वल रूट क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए एक्स एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो. हैविंग बोथ रूट इक्वल proof that A, B, C are in H, T. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन है कि उसके दोनों रूट आपस में इक्वल है. दोनों रूट आपस में इक्वल गिवन होने के बाद हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी एच पी फॉर्म करेंगे. या तो आप ये प्रूफ करेंगे कि ए बी सी एच पी फॉर्म करेंगे या तो आप ये प्रूफ करेंगे कि वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन ए पी. क्योंकि एच पी की तीन अगर तीन टर्म एच पी की दी हुई है तो उसके तीनों टर्म को अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे वन अपॉन में कर देंगे तो वो ए पी में बन जाता है. तो अगर आपको ये प्रूफ करना है ए बी सी एच पी में है तो आप सबसे पहले ये प्रूफ कर सकते हैं वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी ए पी में. अच्छा अगर तीन टर्म को हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये एपी में है तो सेंटर वाले का डबल दोनों के सम के बराबर होना चाहिए. जैसे ये होता था 1 3 5 एपी में तो सेंटर वाले का डबल 2 टाइम्स ऑफ 3 भी 6 आएगा 1 प्लस 5 भी 6 आएगा. यानी सेंटर वाले का जो डबल है वो और फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होता है. इसका मतलब सेंटर वाले का डबल 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होना चाहिए. अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि 2 बाय बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी है तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि 1 अपॉन ए 1 बाय बी 1 बाय सी एपी में होगा और अगर ये एपी में होगा तो ए बी सी एच पी में होगा. ये प्रूफ करना तो फाइनली हमें इन तीनों में से कोई एक कंडीशन प्रूफ करनी है. तो देखते हैं मैं एक पॉइंट आपको रिमाइंड करा दूं. ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और मैं कहता हूं कि एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट है. एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट है या जीरो होता है. एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट है इसका मतलब क्या निकलता है. इसका मतलब ये निकलता है कि एक्स इज इक्वल टू वन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी. पुट करते हैं अगर एक्स इज इक्वल टू वन मैं इसमें पुट करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आएगा. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ए बी सी क्या है कोफिशियंट. तीनों कोफिशियंट है कॉन्स्टेंट टर्म के एक्स स्क्वायर के और एक्स के. तो यहां से मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली देख के ये पता करना है कि क्या एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट है या नहीं डायरेक्टली बाय नॉर्मली बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा और बता दिया कि ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वन होगा या नहीं होगा एक्स इज इक्वल टू वन इसका रूट होगा या नहीं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसके तीनों कोफिशियंट को एड करना पड़ेगा और अगर तीनों कोफिशिएंट को ऐड करने पर वैल्यू जीरो आती है तो एक्स इज इक्वल टू वन मस्ट है कि उसका रूट होगा. ये एक पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए आप रिमेंबर कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखते हैं. ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी बी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी सिमेट्रिक है. अगर हम तीनों को ऐड करें a टाइम्स ऑफ b माइनस सी प्लस बी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए प्लस सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी. अगर इन तीनों को ऐड करें आप ऐड करेंगे तो ए बी यहां के ए बी से कट जाएगा ए सी यहां ए सी से कैंसिल हो जाएगा और जो बी सी होगा बी सी यहां से कैंसिल हो जाएगा और तीनों को ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू जीरो. तो ये तीनों क्या थे ये तीनों उसके कोफिशियंट थे. अगर तीनों कोफिशियंट को ऐड करने पर एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब तीनों कोफिशियंट को ऐड करने पर अगर आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब मस्ट है कि एक रूट की वैल्यू वन इसमें जरूर होगी एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी वन. अच्छा इस इक्वेशन में ये जो क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन में गिवन था कि क्वेश्चन के दोनों रूट इक्वल है ये गिवन था. तो अगर हमें ये पता चल चुका है कि एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी मस्ट है वन ही होना चाहिए दूसरा रूट भी वन ही होना चाहिए. अच्छा
अल्फा भी वन बीटा भी वन, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा भी वन आएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो कैसे निकालेंगे, सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू, यही होता है। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट कोफिशियंट डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है तो इसे डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशियंट को, यानी सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी को इससे डिवाइड करेंगे। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। अब इसे हमें उस AB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट सपोज हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड ABC से डिवाइड करते हैं, अगर ABC से डिवाइड करेंगे C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा A माइनस बी अपॉन AB और यहां पे बचेगा B माइनस सी अपॉन BC। इसे और शॉर्ट में आप अगर और पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। अच्छा देखिए 1 माइनस 1 अपॉन बी को अगर इस साइड लाए और 1 अपॉन ए को उस साइड लाए, उस साइड लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर 1 माइनस माइनस 1 बाई ए को अगर इस साइड लाएंगे तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म दोनों को एड किया 2 बाई बी आ रही, यही कंडीशन होगी अगर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एपी में हूं, यही तो कंडीशन है। 1 अपॉन ए इसका मतलब कि क्या निकल के आता है 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एपी में है, और अगर ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एपी में है तो ए बी सी मस्ट है एचपी में होगा, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट वन रूट इज एन द टाइम्स ऑफ अदर रूट, वन रूट इज एन द टाइम्स ऑफ अदर रूट ये गिवन है, वन रूट इज इक्वल टू एन द टाइम्स ऑफ अदर, जिसका एक रूट दूसरे वाले रूट का एंड टाइम्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें शो करना है कि ए टाइम्स ऑफ सी टू द पावर एन होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन इज इट प्लस ए टू द पावर एन सी होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन विच इज इक्वल टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। ए सी टू दी पावर सी टू दी पावर एन प्लस होल टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन ए टू दी पावर एन सी होल टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। याद करिए जब हम बेसिक प्रॉब्लम पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वन रूट इज रेशियो ऑफ अदर, तो उसमें एक रूट को अल्फा मान लिए थे एक रूट को आर टाइम्स ऑफ अल्फा मान लिए थे, इसी तरह से यहां पे भी अगर इस क्वेश्चन में दिया है कि वन रूट इज एन द टाइम्स ऑफ अदर, वन रूट इज एन द टाइम्स ऑफ अदर, तो इसमें हम क्या करेंगे एक रूट को अल्फा मानेंगे और एक रूट को अल्फा टू द पावर एन, तो ये जो रूट होगा इस रूट का एन टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से हम दोनों रूट को मान लिए। अच्छा अगर दोनों रूट को इस तरह से एज्यूम करते हैं हम तो समाप रूट क्या आएगा, समाप रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे अल्फा टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी सी बाई ए होल टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ये आएगा, हमें अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा इसी अल्फा की वैल्यू अगर को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है सी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी अपॉन ए एन अपॉन एन प्लस वन
क्योंकि यहाँ एन पावर पहले से है तो वो एन अपॉन पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को भी इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, और ए को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू सी अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी को राइट साइड शिफ्ट करेंगे प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा ए सी टू दी पावर एन होल टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए टू दी पावर एन सी वन अपॉन एन प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। आपको बस क्या करना है, इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, पहले सी टू दी पावर वन प्लस एन प्लस सी टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन और ए टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।